बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से हमारे YouTube फैमिली को रमज़ान मुबारक हो। या अल्लाह, इस रमज़ान की बरकत से हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा, आमीन। रमज़ान का पहला जुमा मुबारक हो, दुआओं में याद रखना। दुआ है इस जुमे के सदक़े सबकी दुआएं कबूल हो जाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैदराबादी सहरी स्पेशल मटन करी की रेसिपी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आएंगी। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हमारे नानी जी कुकिंग स्टार्ट करें। ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इसको हम अच्छे से धो लेंगे और इस तरह से क्रश करके रख लेंगे। और अब हम एक प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 1 कप, और कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम कुछ खड़े मसाले ले लेंगे। पट्टा 2, बड़ी इलायची 2, इलायची 4, कबाब चीनी 1 टीस्पून, तेज़पत्ता 2। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, इलायची 4, कबाब चीनी 1 टीस्पून, पट्टा 2। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। इसका कलर चेंज होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटन 1 किलो। मटन को भी अच्छे से फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। तो देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, जिसको हम पहले कट करके रख लिए थे, वो प्याज ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर 2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी 1 ग्लास। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको प्रेशर कुक होने के लिए 10 से 15 मिनट तक छोड़ देंगे। तो देखिए अब 10 से 15 मिनट बाद हम इसको निकालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अब हमारा गोश्त भी अच्छे से गल गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम धनिया पाउडर 1 टीस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे दम पे छोड़ देंगे। दस मिनट बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको सर्व करेंगे। तो ये देखिए अब हमारी हैदराबादी सहरी स्पेशल मटन करी बिल्कुल बनकर तैयार है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी ये रेसिपी पसंद आई होंगी। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।